हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, और वो सूत्र हमारे पास आया था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र था। और यहां से हमें शिक्षा मिली थी कि सी समानुपाती किसके है, ए के, और सी व्युत्क्रमानुपाती किसके है, डी के। अर्थात धारिता जो है वो क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ये बात यहां तक हमने पढ़ दी थी। अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, कल मैं बता रहा था कि उपांत प्रभाव, कि उपांत प्रभाव क्या है। तो अब आप टाइटल डालेंगे उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव तो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय न होकर करके वक्रीय होती हैं, तथा वहां विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। तो फिर इस प्रभाव को या इस घटना को हम जो है उपांत प्रभाव कहते हैं। तो फिर संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय न होकर वक्रीय हो जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं, तथा विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। मतलब उस स्थान पर फिर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, तथा विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसे हम दिखा भी सकते हैं। ये हमारे पास में जो है वो संधारित्र की प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब यहां ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फिर इस स्थान के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से वक्रीय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो आवेश की मात्रा अधिक होगी, बाकी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो बिल्कुल सरल रेखीय होंगी। यहां ये समान जो है वो ये आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक है इस स्थान पर,
पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, जबकि इस किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण यहां जो है विद्युत क्षेत्र असमान होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए ये वक्राकार रूप लेगी, बाकी इनसाइड वाली जो है वो सारी कैसी है, वो सारी जो है वो समांतर है और सम विद्युत क्षेत्र उसके अंदर है। तो किनारों वाले स्थान के ऊपर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो सरल रेखीय न होकर के कैसी हो जाती है, वक्रीय हो जाती है। बस इस घटना का नाम ही उपांत प्रभाव है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एग्जाम्पल है उदाहरण उदाहरण 4.5 4.5। देखिए किस उदाहरण में क्या है। एग्जाम्पल 4.5। इस उदाहरण में क्या दे रखा है, इसमें बता रखा है कि 20 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेश किया जाता है। धारिता धारिता दे रखी है सी, धारिता है 20 माइक्रोफेरड, जिससे मतलब होगा 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 फेरड। ठीक है, ये तो धारिता दे रखी है संधारित्र की, और इसे 10 किलो वोल्ट के जो है 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेश किया जाता है। तो विभवांतर 10 किलो वोल्ट, वी बराबर 10 किलो वोल्ट से हमारा मतलब होगा 10 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। तो फिर ये ऐसा ही माइक्रो को हमने ये ऐसा ही ये भी ऐसा ही। तो इसमें पूछा है कि फिर इसमें संचित आवेश की मात्रा क्या होगी, या प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा आवेश Q ज्ञात करना है। Q ज्ञात करना, हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, Q बराबर CV, दोनों चीजें अवेलेबल है, सी ये रहा भी ये रहा। तो Q बराबर C का मान 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा V का मान 10 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, तो फिर यहां हम 10 की पावर पूरी एक जगह ले लें 2 गुणा, ये हमारे पास में 1 2 3 और 2 5, 10 की घात माइनस 6 प्लस की, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास में 3 और 1 4 और 1 5, 10 की घात 5। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस कितनी आई हमारे पास में 6 और 10 की घात 5। तो फिर Q बराबर, ठीक, ये आपके पास में 2 गुणा 10 की घात माइनस 1, या Q बराबर 10 का भाग दे दोगे 0.2 कूलम। अर्थात प्रत्येक प्लेट के ऊपर जो आवेश की मात्रा होगी वो 0.2 कूलाम होगी। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि Q बराबर CV जो फार्मूला है, धारिता दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, तो आप उस उसके प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया उदाहरण 4.5। अब हम आते हैं उदाहरण 4.6 पर। तो इसे तो नोट कर लीजिएगा, उदाहरण 4.6। एग्जाम्पल 4.6 क्या कहता है इसमें। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और उनके बीच की दूरी जो है वो d है। तो फिर समांतर दिया है,
दिया है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना ए, प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी वो डी। अब क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है यदि प्लेट का क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये तो पहली अवस्था है, तो फिर हम ये कहें कि धारिता जो है, सॉल्यूशन हम यहां ले रहे हैं, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न कहता है कि ए का मान जो है वो दो ए कर दिया जाए और जो दूरी है वो आपके पास में डी वाई टू चली जाए, तब तब नई अवस्था में सी डैश जो आएगी, ये तो बात नंबर फर्स्ट हो गई, लेकिन नई अवस्था में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लेकिन ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टू ए अपॉन में दूरी डी के स्थान पर लिखना पड़ेगा डी वाई टू, तो टू कहां चला गया, ऊपर। तो फिर नई अवस्था में जो सी डैश आएगा वो दो दो चार एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, ये बात नंबर कितनी हो गई, दो। लेकिन हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी लिख सकते हैं, ये रहा। तो फिर एक व दो से, एक व दो से ये क्या बदल जाएगा, ये आ जाएगा कि नई अवस्था में जो सी डैश आई वो पहले की तुलना में चार गुना है, ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल डबल और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब इस अवस्था में धारिता का मान पहले की तुलना में चार गुना हो जाता है। तो अच्छा सवाल है। तो इस तरीके से जो है हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6 को कर सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिएगा और फिर हम एक अगले वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं, 4.7। क्या कहता है 4.7 न्यूमेरिकल, देखिएगा। देखें 4.7 न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और उसे V वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो फिर हम यहां दिया है एग्जांपल 4.7 क्या कहता है, देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर सी। ठीक है, और विद्युत स्रोत की वोल्टता संयोजित
विद्युत स्रोत की वोल्टता बराबर भी, ठीक है, तो सी संधारित्र को, सी धारिता की संधारित्र को वी वोल्ट से जोड़ें तो फिर प्लेटों पर जो आवेश का मान आता है वो 360 माइक्रो कूलाम आता है। तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण यहां आपको प्लस माइनस 360 कूलाम माइक्रो कूलाम दे रखा है, लेकिन मैं यहां 360 माइक्रो कूलाम ले लेता हूं। 360 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब Q का मान हो गया 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ठीक है, आवेश जो है वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, लेकिन हमें यहां परिमाण चाहिए तो हम परिमाण को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या कहा गया है, अब ये कहा गया है कि यदि इसका वोल्टेज जो है, यदि विभवांतर में कितने की कमी कर दी जाए, 120 वोल्ट की कमी कर दी जाए, तो अगले वाली बात और दी गई है, यदि विभवांतर में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश, अब नई स्थिति क्या है कि जब वोल्टेज 120 वोल्ट कर दी जाए तब आवेश का मान क्यू डैश, तो ये क्यू डैश का जो मान है वो 120 माइक्रो कूलाम आता है। कितना आता है, 120 माइक्रो कूलाम, आवेश का परिमाण क्यू डैश बराबर 120 माइक्रो कूलाम बराबर 120 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। यहां भी मैं परिमाण ले रहा हूं, ये प्लस माइनस में दे रखा। तो अब यहां पर आपको निकालना क्या है, तो एक तो निकालना है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर क्या है। तो प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर ये ज्ञात करना है, वी आरोपित विभवांतर वी कितना है, ये नंबर फर्स्ट, ठीक है। एफ नंबर बे जो है उस पर आपको धारिता सी ज्ञात करनी है, धारिता सी। और अगले वाली बात क्या बता रखी है कि यदि आरोपित विभवांतर 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए, इससे यदि विभवांतर में तर में वृद्धि 120 वोल्ट से कर दी जाए, वृद्धि 120 वोल्ट से कर दी जाए, तब इस स्थिति में Q का मान कितना होगा, मतलब ये Q ट्रिपल डैश मान, Q डबल डैश मान लें कि ये क्या चीज आएगी, तो हमें जो है वो आवेश का मान निकालना है। तो क्वेश्चन जो है वो पता लग गया होगा, धारिता आपको C एक बार मान ली, संयोजित वोल्ट की स्रोतता V है और प्लेटों पर आवेश का परिमाण जो है वो Q इतना है, जिसको हम माइक्रो हटाकर कैसे लिख सकते हैं। यदि विभवांतर में 120 वोल्ट की कमी कर दी जाए तो ये आवेश क्यू डैश आपको दे रखा है कि इस तरीके से आएगा, और ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, प्लेटों के मध्य विभवांतर, धारिता और विभवांतर में वृद्धि 120 वोल्ट से कर दी जाए तो फिर प्लेटों पर संचित आवेश का परिमाण क्यू डबल डैश क्या हो। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखिए, मैं यहां लिखूं कि यहां पर आवेश की जो मात्रा है क्यू, Q बराबर सी वी, ठीक है, और ये मान आपके पास में दे रखा है 360 माइक्रो कूलाम या 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ये तो बात नंबर एक। लेकिन दूसरी अवस्था में 120 वोल्ट की कमी कर दी जाए तब आपके पास में क्यू डैश का जो मान आ रहा है बराबर, तो फिर साधारिता तो सी है,
लेकिन वोल्टेज वी की बजाय वी में से 120 कम करके लिख दें, और वो 120 माइक्रो कूलम है, तो 120 गुना 10 की घात माइनस 6 आ गया। ये समीकरण नंबर दो आ गई। यदि मैं एक को दो से भाग दे देता तो एक भाग दो, देखिए क्या रिजल्ट आता है, सी वी बटे में, इसको छोड़ सकते हो, ये लिख सकते हो सी इंटू में वी माइनस 120 बराबर 360 गुना 10 की घात माइनस 6 भाग में 120 गुना 10 की घात माइनस 6। ये कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 12 3 36, सी से सी क्या हो गया कैंसिल आउट, और ये आपके पास आ गया 3। तो फिर यहां पर देखिएगा क्या रिजल्ट आया, v बटे में v एक माइनस 120 बराबर में 3/1 क्रॉस गुणा करेंगे 3v माइनस में 360 बराबर में v, और 3v माइनस में v बराबर 360, और 3v में से v गया तो 2v बराबर 360, और v निकालेंगे तो 360/2 बराबर 180 वोल्ट। ये आपके पास में प्लेटों के मध्य विभवांतर आ गया। तो पहले वाला पार्ट कर दिया मैंने, ए लग गया पता कि हम इस तरीके से जो है आवेश दिया गया था, तो CV बराबर ये लिख सकते हैं, 120 वोल्ट की कमी कर दी जाए तब इस स्थिति में आवेश की मात्रा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दे रखा था। ये समीकरण जो दो आ गई इनको भाग दे दें तो C तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से V की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलो ये आपके पास में प्लेटों के मध्य विभवांतर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ये तो हुआ आपके पास पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट, क्या कि धारिता कैसे निकालें। तो बिल्कुल यहां क्लियर हो जाना चाहिए कि जब v का मान इतना आ रहा है और धारिता c ये है, तो समीकरण एक का उपयोग कर लो चाहे दो का उपयोग कर लो, यहां आप v का मान रख दीजिए ये जो आया है, और c का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो फिर नंबर दो में हम कैसे करेंगे, इसे मैं नंबर तीन दे देता हूं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं भाग ब की। तो भाग ब किस तरीके से करेंगे, देखिए भाग ब यहां आप देखेंगे एक व तीन से क्या सीवी बराबर क्या था, सीवी बराबर 360 माइनस 6 था, तो फिर सी की वैल्यू हम यहां रख दें, सी की मान निकालना है सी इंटू में 180 और बराबर 360 गुना 10 की घात माइनस 6 मोली। मैंने समीकरण एक में वी का मान रखा है, समीकरण तीन का मान रखा है, तो यहां से आपके पास में ये कितना हो जाएगा, C बराबर 360/180 गुना 10 की घात माइनस 6, और ये 180 से दुगना, तो C बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस 6, तो फिर मैं इसे तो C बराबर 2 माइक्रो कूलम भी लिख सकता हूं। बोलिए दूसरा पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हमने संधारित्र की धारिता क्या है वो सी भी ज्ञात कर ली। अब रहता है हमारे पास में तीसरा पोर्शन। तो एक और तीन से तो ये आ गया, आप यहां उतार लेंगे, ये उतार लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो सी का मान आ चुका और वी का मान आपके पास में आ चुका। ठीक है, ये हो गया बे पार्ट। अब कौन से पार्ट पे आते हैं हम, से पार्ट पे। तो से पार्ट क्या कहता है, यदि वोल्टेज में 120 की वृद्धि कर दी जाए तब आवेश की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, भाग से। तो फिर आवेश Q डबल डैश निकालना है, तो Q डबल डैश निकालना है, लेकिन धारिता C
फार्मूला जनरल होता है सी वी, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा वी प्लस 120 क्योंकि वोल्टेज 120 की बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है, अब यहां से आपके पास में वोल्टेज आ चुका था, कितना आया था वोल्टेज, वोल्टेज हमारे पास में जो है फर्स्ट पार्ट में आ गया था 180 आया था। ठीक है, और C का मान 2 × 10⁻⁶ आया था, तो Q डबल डैश बराबर 2 × 10⁻⁶ इनटू में 180 प्लस में 120, क्योंकि ये V की वैल्यू आ चुकी है, ये C की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में जो है वो 300। तो Q डबल डैश बराबर 2 × 10⁻⁶ × 300। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, Q डबल डैश बराबर 600 × 10⁻⁶ गुणा कर दिया 300 को 2 से, तो फिर ये 600 माइक्रो कूलम, क्योंकि इसको माइक्रो बोल देंगे, तो Q डबल डैश की वैल्यू हो गई 600 माइक्रो कूलम। इसका मतलब वोल्टेज में बढ़ोतरी 120 से कर दी जाए तब प्लेटों पर आवेश का जो परिमाण है वो हमारे पास में इतना आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से देखिए ये पार्ट भी आपका हो चुका है। अब एक और एग्जांपल है लास्ट, इसको आप नोट कर लेंगे, क्या है 4.8। इस उदाहरण में दिया गया है कि 1 मिलीमीटर दूरी के ऊपर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चक्तियों द्वारा एक संधारित्र बनाया गया है, उसकी धारिता हमें निकालनी है। तो फिर वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या संधारित्र में वृत्ताकार शक्ति या प्लेट की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²⁰ मीटर, ये आपको दिया गया था, लिख लिया। अब प्लेटों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो दे रखी है 1 mm। प्लेटों की मध्य दूरी ये डी ले लें हम, और डी का मान 1 mm एसआई में लेके जाएं, 1 × 10⁻³ मीटर। कह रहा है कि इन वृत्ताकार चक्तियों से जिनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, इनको समांतर रख दिया जाए और एक संधारित्र बन जाए, तो उस संधारित्र की धारिता सी का मान क्या होगा। तो फिर सॉल्यूशन हम जानते हैं कि सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर, लेकिन यहां आपको डायरेक्ट जो है वो ए क्षेत्रफल नहीं दे रखा, आपको त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना आता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस फार्मूले को हम अपनी सुविधा के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे में डी। अब देखिए सभी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है, त्रिज्या है ही, दूरी है ही, तो फिर सी बराबर मान रख दिए जाए, तो मान रखेंगे तो कितना आएगा देखिएगा क्षेत्रफल, तो यहां से 8.854 × 10⁻²⁰ गुणा में पाई का मान 3.14 गुणा में आर का मान दे रखा है 5 × 10⁻²² और बटे में दूरी दे रखी है 1 × 10⁻³। ये चीजें हमने इसमें जो दिए गए मान थे वो हमने पुट कर दिए, तो अब हम यहां पर इनको एडजस्ट करें, सी बराबर 8.854
गुणा 3.19। पहले संख्या देखने, और पचम 25 गुणा में 25 गुणा में 10 पे जाएंगे। अब 10 की पावर 10 की घात -12, ये 2 × 2 = 4, तो गुणा 10 की घात -4 और गुणा में ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 3। अब यहां आपके पास में सी का जो मान निकालेंगे, अब सिर्फ ये तो कितना रह जाएगा, -12 + 4 = 16, -16 में से 3 चला जाएगा, 10 की घात -13 बचेगा। लेकिन जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो 77.47 गुणा करेंगे, तब 77.47 गुणा 10 की घात -12 फैरड आएगा। लेकिन सी बराबर 77.47, इसको पिको कहते हैं, तो पिको फैरड हो गया। तो आप ये गुणा करके इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो, जो है वो 10 की घात -13 है, लेकिन एक यहाँ एडजस्ट होगी, 10 की घात -12 बचेगी, 10 की घात -12 को हम पिको फैरड कहते हैं। तो ये आपके पास में 77.47 पिको फैरड आ जाएगा। इसको राउंड करें तो ऐसे भी आ सकता है ये 77.5 पिको फैरड। तो इस तरीके से जो है आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो अब ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।